अभी अभी क्यों डरा, लेकिन इनकाउंटर की आशंका है। साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर और माफिया अतीक अहमद को लेकर पुलिस उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। मध्य प्रदेश से होकर झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ियों का काफिला पहुंचा। यूपी में प्रवेश करने के बाद काफिले को अचानक शहर की तरफ मोड़ दिया गया। अतीक को झांसी की पुलिस लाइन में पूरे काफिले के साथ रोका गया। यहां पर सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए। कुछ देर रुकने के बाद काफिला प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। अतीक के खिलाफ लगातार पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे लेकर प्रयागराज पहुंच रही है। 29 मार्च को अतीक की कोर्ट में पेशी है। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में भी पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आई है, जो आपने भी देखा, आप लगातार काफिले में मौजूद हैं। क्या क्या झांसी में आई तो अभी अभी क्यों डर, लेकिन इनकाउंटर की आशंका है। क्या झांसी में आने के बाद कुछ डर लग रहा है? अपराधी मारे हैं, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हमें डर है? उसने इतने अपराधियों को, इतने मासूम लोगों को मौत की घाट उतारा। मैम, तो वो कोर्ट को कैसे लग रहा है? आप अपराधी नहीं कह सकती जब तक की डिक्लेयर न हो जाए। अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस मामले में तो सजा होनी है। आप 5 बार के विधायक को, मैम सुनिए, आप 5 बार के विधायक को और 1 बार के एमपी को भी अपराधी नहीं कह सकती जब तक कोर्ट के अमन निर्दोष है। आप ये जब तक, बिल्कुल जब तक कोर्ट, जब तक कोर्ट के बाकी लोग चले गए, कहां पर है? अगर निर्दोष है तो यहां पर क्यों नहीं आते, उसके सामने क्यों नहीं आते? बाल गृह में है उनके बच्चे, बाल गृह में। और भी असद कहां पर है आखिर में, उसकी कोई जानकारी है आपके पास? डिग्री कॉलेज में, लखनऊ के डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है असद। असद कहां पर? लेकिन अगायब क्यों है, मिल क्यों नहीं रहा है तुम्हें? पुलिस को फरार करना नहीं, जो उसका केस में नाम आ गया इसलिए गायब हो गया। शाइस्ता परवीन कहां है आपको? उन्होंने क्या अपनी भाभी, आपका भतीजा, वो सरेंडर करेंगे क्या? मुझे नहीं पता। झांसी में आने के बाद कानून का साथ देना चाहिए। अगर आप बिल्कुल कानून, बिल्कुल कानून के जरिए से, कानून के तहत ही काम। मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो। झांसी में आने के बाद कोई डर? सुरक्षा के साथ यूपी पुलिस लेकर आई है, और अभी आप कह रही है दिन का समय हो गया और अभी भी आपको डर है? वो जो मुख्यमंत्री का बयान आ गया था, इस वजह से मुझे डर है। क्या क्या लग रहा है? जो उन्होंने विधानसभा में बयान दे दिया था, उससे मुझे डर लग रहा है। क्या बयान दिया वो आप लोग को पता है? क्या बयान है मैम, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अगर मुकदमा चल रहा है, जेल के मुहाने पर खड़े हैं इस वक्त, जेल में ही बंद है सभा। भाई, वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनका इतना बड़ा बयान आ गया था, इसलिए हम डर रहे हैं। लेकिन यूपी में तो पूरा साम्राज्य अगर चलता था, अभी ऑफिस में भी छापेमारी हुई, मुख्यमंत्री बात क्यों कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आने का? मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा भरोसा है, वो पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं और वो हम लोग के साथ इंसाफ करेंगे।